और नीट पेपर लीक कांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। पटना एम्स के 4 छात्रों को सस्पेंड करने का मामला, पटना एम्स के डायरेक्टर ने फैसले को होल्ड पर रखा है। सीबीआई से लिखित डॉक्यूमेंट्स आने तक फैसले को होल्ड पर डाल दिया गया है। फैसला रोके जाने के संबंध में प्रेस रिलीज भी जारी की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, नीट पेपर लीक कांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पटना एम्स के 4 छात्र को सस्पेंड करने के मामले में पटना एम्स के डायरेक्टर ने फैसले को होल्ड पर रखा है। सीबीआई से लिखित डॉक्यूमेंट्स आने तक फैसले को होल्ड पर रखा गया है। फैसला रोके जाने के संबंध में प्रेस रिलीज भी जारी कर दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, नीट पेपर लीक कांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, पटना एम्स के 4 छात्र को सस्पेंड करने के मामले में पटना एम्स के डायरेक्टर ने फैसले को होल्ड पर रखा है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 लाई गई है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने इसका स्वागत किया है। डिप्टी सीएम ने कहा है कि बिहार को बहुत दिनों से फिल्म नीति की जरूरत थी। बिहार से जुड़े हुए कलाकार को इससे फायदा होगा। बिहार की फिल्म प्रोत्साहन नीति से युवाओं को अवसर मिलेगा। नीति के तहत 4 करोड़ तक की फिल्म में 25% का अनुदान उनको मिलेगा। तो ये अहम फैसला लिया गया है। राज्य में बड़े पैमाने पर फिल्म निर्माण को स्वीकृति मिल गई है। नालंदा की तरह भागलपुर में भी विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय बनेगा। वहीं आपको बताते चले, विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए 205 एकड़ जमीन की स्वीकृति दी गई। राजगीर में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के लिए 81 पद का सृजन किया गया। तो ये कुछ अहम फैसले लिए गए। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण में 301 पद का सृजन किया गया है। आज उस सोच को बिहार सरकार ने फिल्म नीति के स्वीकृति देकर साकार करने का एक प्रयास शुरू किया गया है। इसमें जितने भी अभी स्टेट हैं उसमें बेहतर बिहार की फिल्म नीति बनाने का प्रयास किया गया है। बिहार की प्रतिभा और पहचान को नया आयाम देगी हमारी फिल्म प्रोत्साहन नीति। आपको यह बताते हुए बेहद खुशी हो रहा है कि आज बिहार सरकार बिहार राज्य फिल्म प्रोत्साहन नीति ला करके अपने युवाओं को, अपने प्रतिभाओं को एक बड़ा अवसर प्रदान करने जा रहा है। बिहार में पहली बार टेक्सटाइल इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया। पटना के ताज होटल में उद्योग विभाग की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा समेत देश भर से आए बड़े उद्योगपति भी शामिल हुए। कार्यक्रम